गाइज, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेसले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी यूएन को दान में दे दें, तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था, इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे यह समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे, तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर बेचने को तैयार हैं। गाइज, एलोन मस्क का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइज, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। गाइज, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंडोरा को लेकर चर्चा में हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 करेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल ये उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 करेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग करेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं, और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइज, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटा मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइज, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। गाइज, अब आप बताइए कि आपको फेसबुक का पुराना नाम अच्छा लगता था या नया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, दुबई में T20 वर्ल्ड कप को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए वहां पर एक विशाल बैट को तैयार किया गया है, जो कि 10 मंजिला इमारत के बराबर है और सबसे बड़े बल्ले के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की दौड़ में शुमार है। ये बैट 32 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, और इसका वजन 950 किलोग्राम है। गाइज, ये बल्ला इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको बिल्डिंग के पैरेलल रखा गया है। गाइज, आपको इतने बड़े विशाल काय बल्ले को देखकर कैसा लगा, और क्या आप पर भी T20 वर्ल्ड कप की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।